अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बयाबानी न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम डालते हैं। नज़र एक अहम खबर की जानी, पिस्ता हाउस हलीम का शानदार इफ्तिताह नामपली एग्जीबिशन ग्राउंड में एमएलए मुमताज़ खान साहब के हाथों से अमल में आया। नामपली एग्जीबिशन 2022 में फिर से एक बार हर साल की तरह इस साल भी पिस्ता हाउस जायकेदार हलीम का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताह की सदारत AIMIM पार्टी चार मीनार एमएलए मुमताज़ अहमद खान के हाथों अमल में आई। इस मौके पर पिस्ता हाउस के ओनर मजीद बही और उनके फर्जंद मोहसिन बही भी मौजूद थे। पिस्ता हाउस के ओनर मजीद बही ने मीडिया से खिताब करते हुए तमाम तफसीलात बताई। आइए देखते हैं तफसीली नुमाइंदे मोहम्मद इमरान की बयाबानी न्यूज़ से। इनॉग्रेशन ऑफ पिस्ता हाउस हलीम स्टॉल एट इन ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन नामपली बाय एमएलए मुमताज़ खान। ऑन दिस ओकेशन द ओनर ऑफ पिस्ता हाउस हलीम मजीद बही एंड हिज सन मोहसिन बही वर ऑल्सो प्रेजेंट। मजीद बही हैज एड्रेस्ड द मीडिया एंड गिव्स डिटेल। ब्यूरो रिपोर्ट फ्रॉम बयाबानी न्यूज़। तरह की खबरों के लिए बयाबानी न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह। 22 में जो हलीम स्टार्ट किए एग्जीबिशन में हम लोग, माशाल्लाह अच्छा बिजनेस है। और जो है यहाँ पर ज़ाफ़रानी चाय और ऑर्डनरी चाय भी स्टार्ट किए हैं, जो काफ़ी डिमांड है ज़ाफ़रानी चाय का, और हलीम का भी अच्छा डिमांड है। और तकरीबन लोग बाहर से US से और आए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा डिमांड है। तो कोशिश ये है कि और अच्छा चले। सर क्या टाइम पे अवेलेबल रहेंगे हलीम? ये शाम में 5 बजे से रात में 11 बजे तक। 11 बजे इसका क्या दाम, वाजिबी दाम क्या रहेंगे सर? इसका रेट जो है 250 रुपये, 250, क्योंकि कल तक 240 था, अभी वो ऑयल के रेट्स बढ़ गए, ये पूरे रेट्स बढ़ गए, मीट के रेट्स बढ़ गए, तो 10 रुपये बढ़ाए हमने, 250 रेट है इसका। तो खाली एग्जीबिशन में छः सर और जगह कहीं पे है? ना, अभी तो फिलहाल एग्जीबिशन में है, एक 4-5 डेज के बाद पूरे ब्रांचेस में स्टार्ट करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ऑर्डर हैं, हर साल की तरह इस मरतबा भी यहाँ पर पिस्ता हाउस का इनाग्रेशन मुझसे करवाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मजीद मियाँ और उनके फर्जंदान ना सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि सारी दुनिया के अंदर एक पिस्ता हाउस का एक लोगो कायम कर चुके हैं। बड़ी अच्छी बात है, चूँकि मजीद भाई मेरे बेहद चाहने वालों में से हैं। जब से एग्जीबिशन शुरू हुई हमेशा से मुझसे इनाग्रेशन करवाते, अल्लाह के फजल करम से एग्जीबिशन में भी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दूसरे जो बिजनेसेस हैं उन बिजनेसेस में मजीद भाई का सबसे टॉप बिजनेस रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद के कोने कोने के अंदर मजीद भाई रेस्टोरेंट्स और जो बेकरी आइटम्स बना रहे हैं शायद उसकी नज़ीर मिल नहीं सकती। मैं मेरी जानिब से और मेरे दोस्त अहबाब की जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मजीद भाई को, उनके फर्जंदान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया।